पा कैथो फूड और हम जा रहे हैं आज मेट्रो मॉल टर्की में जो कि बहुत ही ज़बरदस्त है। और यहाँ हम आ गए हैं स्टॉप पे और यहाँ देखें सामने आप देख ही सकते होंगे किस तरह से कार्ड टैक्स होते हैं, इस तरह से लोग कार्ड टैक कर सकते हैं और इजीली आप बस में यहाँ पे ट्रैवल कर सकते हैं। तो यहाँ से चलते हैं और आगे और बस टर्मिनल से उतर के भी हमें लगा है 1.5 किलोमीटर का रास्ता पैदल चलना पड़ा और यहाँ हम पहुँच गए हैं मेट्रो। चलते हैं यहाँ से अंदर और करते हैं आज मेट्रो को एक्सप्लोर। सो व्यूवर्स यहाँ हम आ गए हैं अंदर, हमने ले ली है एक ट्रॉली और चलते हैं आपको और दिखाते हैं डिफरेंट किस्म की चीज़ें और उनके प्राइजेस। सो व्यूवर्स यहाँ लगी हुई है कुछ स्टेशनरी। स्कूल का सीज़न स्टार्ट होता है यहाँ सितंबर में और जैसे ही यहाँ पर स्कूल ऑन होते हैं तो हर मार्ट के ऊपर और हर तरह के मॉल्स में इस तरह के स्टेशनरी के पोर्शंस लग जाते हैं जो कि बहुत ही रिजनेबल प्राइस के अंदर यहाँ पर स्टेशनरी मौजूद होती है। और यहाँ है कुछ बच्चों की वाटर बॉटल्स और साथ ही यहाँ पर भी बच्चों की स्टेशनरी से रिलेटेड ही तमाम चीज़ें मौजूद हैं। और यहाँ पे रखी हुई हैं बच्चों की डिफरेंट किस्म की कलरिंग बुक और लर्निंग बुक्स यहाँ पर मौजूद हैं और मैं भी यहाँ से लेने वाली हूँ एक राइटिंग बुक, तो देखते हैं हमें कौन सी मिलती है यहाँ पे राइटिंग बुक। तो यहाँ से मैंने परचेज़ की है ये ड्रेसिंग बुक जो कि मुझे अपनी बच्चियों के लिए चाहिए थी ड्रेसिंग करवाने के लिए। और यहाँ जैसे मैंने आपको दिखाया कि स्टेशनरी भी मौजूद है तो उसी के साथ हैं यहाँ पर बच्चों के बहुत ही प्यारे से कलरफुल बैग्स। और यहाँ है ट्रैवलिंग बैग की बहुत ही प्यारी सी कलेक्शन, अगर आपको चाहिए ट्रैवल के लिए कोई बैग तो आप यहाँ से कर सकते हैं परचेज़। और यहाँ पर मौजूद हैं कुछ इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम और यहाँ पर मौजूद हैं बहुत ही अच्छे अच्छे से जूसर ब्लेंडर चॉपर इस तरह के इलेक्ट्रॉनिक्स की चीज़ें यहाँ पर मौजूद हैं जो कि आप कर सकते हैं मेट्रो से ईज़िली बाय। और यहाँ पे रखे हुए हैं बहुत ही प्यारे प्यारे से फ्रिज लेकिन ये हैं बहुत एक्सपेंसिव। और जनाब यहाँ पर है बहुत ही प्यारा सा कॉफ़ी मेकर जो कि लग रहा है बहुत ही खूबसूरत। तो अब हम जा रहे हैं ग्रॉसरी पोर्शन में और दिखाते हैं आपको यहाँ पर कि किस तरह की ग्रॉसरी है और क्या है उनके प्राइजेस। यहाँ पर मौजूद है डिटर्जेंट की बहुत ही ज़बरदस्त सी और बहुत ही लार्ज कलेक्शन। ये पूरा पोर्शन है यहाँ पर ड्रिंक्स का, यहाँ पर डिफरेंट किस्म की कोल्ड ड्रिंक्स और जूसेस हैं अवेलेबल। यहाँ पैकेट में मौजूद जूसेस भी बहुत इजीली मिल जाते हैं। और यहाँ है टर्किश कहवे और टर्किश चाय। यहाँ पे आके आप धोखा नहीं खाइएगा कि लिप्टन के लोगो लगे हुए हैं लेकिन ये है तमाम टर्किश चाय। और जनाब यहाँ पर हैं मुख्तलिफ़ किस्म के अलग अलग किस्म के ब्रांड्स के राइस जो कि आप इजीली यहाँ से बाय कर सकते हैं। और इनके प्राइस भी कुछ यूँ हैं कि यहाँ पर ये मौजूद है 64 TL का और आई थिंक कि ये 2.5 किलो वाला पैकेट है। और इसी के साथ अगर आप आगे जाएं तो आगे भी मुख्तलिफ़ किस्म के राइस ही रखे हुए हैं, अलग अलग ब्रांड्स के राइस होते हैं यहाँ पर।
और उसी के साथ उसके अपोजिट साइड पर यहाँ पर रखी हुई हैं तमाम किस्म की दालें, चने और बीन्स वगैरह जो हम लोग रूटीन के अंदर अपने घरों में यूज़ करते हैं। ये देखिए जनाब, मलका मसूर की दाल, मूंग और उड़द की दाल, और ये है यहाँ पे टर्किश अचार। ये जिस तरह से पाकिस्तान में सिरके में जो हम लोग शलजम का और गाजर का अचार बनाते हैं, तो उसी तरह से ये लोग भी मुख्तलिफ़ सब्ज़ियों को सिरके में डिप करके और उसका अचार बनाते हैं। यहाँ ऑयल वाला अचार नहीं होता, तो ये इनके मुख्तलिफ़ किस्म के अचार हैं और हर तरह के वेजिटेबल के अचार बनाते हैं। और यहाँ पर मौजूद हैं फ्रोज़न सब्ज़ियाँ, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं ये तमाम फ्रोज़न आइटम हैं। ये फ्रोज़न कॉर्न है, यहाँ पे मटर फ्रोज़न है, और यहाँ पे बीन्स हैं फ्रोज़न, और जनाब ये है स्पेनिश फ्रोज़न। तो मैं जल्दी जल्दी आप लोगों को दिखा रही हूँ क्योंकि मॉल बहुत ज़्यादा बड़ा है तो इस पर एक्सप्लोर करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, तो मैं छोटी छोटी क्लिप्स में आपको यहाँ का पूरा ओवरऑल चाह रही हूँ कि विज़िट करवा दूँ। यहाँ ये देखिए मिक्स वेजिटेबल्स के भी पैकेट्स मिलते हैं इस तरह से, उसी के साथ यहाँ पे कैरेट, ब्रोकली और ये लहसुन, गार्लिक इस तरह से। और यहाँ पर है फ्रोज़न फ्रेंच फ्राइज़, डिफरेंट किस्म के पतातीस कहते हैं आलू को, और ये आलू के फ्रेंच फ्राइज़ यहाँ पर हैं फ्रोज़न। और ये है फ्रोज़न चिकन का पूरा पोर्शन और मीट और बीफ सेक्शन सब कुछ यहाँ पर है मौजूद। तो ये जो मेरे सामने रखी हुई है ये टर्की है जो कि बहुत ही बड़ी चिकन होती है, और यहाँ पर और भी मुख्तलिफ़ किस्म के अलग अलग ब्रांड्स के चिकन मौजूद हैं और मीट हैं इस तरह से। यहाँ पे कुछ नगेट्स भी रखे हुए हैं जो कि आप कर सकते हैं इजीली बाय यहाँ से, और ये भी तमाम फ्रोज़न कबाब, कोफ्ते और नगेट्स इस तरह के पैकेट्स यहाँ पर हैं मौजूद। और प्राइस भी आप इनके देख सकते हैं यहाँ पर, ये 51 TL का है पैकेट। ये देखें प्राइस, कुछ चीज़ों में प्राइस बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव होते हैं और कुछ चीज़ों में नॉर्मल प्राइसेस होते हैं। यहाँ पर भी ये टर्किश कोफ्ते रखे हुए हैं फ्रोज़न, और यहाँ पर फ्रोज़न चपली कबाब टर्किश, और यहाँ पे है जनाब कीमा बीफ का, और उसके साथ यहाँ फिर कबाब आ गए हैं। और यहाँ से चलते हैं आगे, बहुत ही लार्ज पोर्शन है ये मीट पीस का, तो जनाब यहाँ इसको करते हैं क्लोज और यहाँ देख लें एक और नज़र, यहाँ पर भी बीफ और मीट का पूरा सेक्शन है। और यहाँ से आप जिस तरह का मर्ज़ी चाहें उस तरह का बीफ ले सकते हैं, यहाँ पर बीफ की बोटियाँ और जिस तरह की शेप में आप चाहें तो आपको कटिंग करके दे सकते हैं। मरहबा। और जनाब मैं तो करने वाली थी अपने बीफ के पोर्शन को क्लोज, लेकिन मुझे यहाँ नज़र आया कि ये पूरे पूरे यहाँ पे मटन कटिंग होते हैं अंदर, और उसी के साथ में यहाँ से आप जिस तरह का चाहें उस तरह के पीसेस बनवा के कर सकते हैं परचेज गोश्त। और ये देखिए सामने पूरे पूरे मटन टंगे हुए हैं, मटन और गाय का। और ये है जनाब इसका ओवरऑल व्यू, अंदर हो रही है कटिंग, और ये पूरा फ्रीज़र पोर्शन है। तो चलते हैं यहाँ से बाहर और करते हैं मज़ीद मेट्रो को एक्सप्लोर। और जनाब यहाँ पर है पूरा आइसक्रीम पोर्शन, यहाँ डिफरेंट फ्लेवर्स में आइसक्रीम है, और यहाँ है डिफरेंट किस्म के केक और स्वीट्स। और जनाब यहाँ पर लगी हुई हैं फ्रेश फ्रेश फिशेस हर तरह की, और जनाब ये मौजूद है यहाँ पे जेली फिश, प्रॉन्स, और ये भी जेली फिश है, और इसी के साथ में है ये बहुत ही फ्रेश आई थिंक केकड़े जो कि मूव भी कर रहे हैं, और इसी के साथ ये भी प्रॉन्स है यहाँ पर मौजूद। तो यहाँ पर मौजूद हैं ऑर्गेनिक वेजिटेबल्स जो कि बहुत ही फ्रेश और बहुत ही अच्छी होती हैं, ये पैकेट्स में है लेकिन बहुत ही फ्रेश हैं देखने में, जैसे अभी अभी ला कर रखी गई हूँ। ये देखिए यहाँ पर है मशरूम्स, गार्लिक, पील हुए हुए गार्लिक भी यहाँ पर हैं अवेलेबल,
अगर आपको लगता है गार्लिक को पील करना बहुत मुश्किल, तो आप पील हुए गार्लिक भी यहाँ से बाई कर सकते हैं। और उसी के साथ यहाँ पर हैं स्पाइसेस, रेड चिल्ली, और यहाँ पर भी तमाम स्पाइसेस मौजूद हैं। कद्दू की सब्ज़ी भी यहाँ पे बहुत शौक़ से खाई जाती है, और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जियान कद्दू रखे हुए हैं, पंकिन, जियान पंकिन की यहाँ पर वैरायटी है मौजूद। और मुझे इसको देख के बहुत हंसी आई थी कि आप देखें, लेकिन कुदरत खुदा की सुभान अल्लाह की कितनी जियान है ये। और उसी के साथ यहाँ पर हैं खीरे, और ये हैं बैंगन, बहुत अच्छी फ्रेश सब्ज़ियाँ लगी हुई हैं यहाँ पर, बेल पेपर, ये देखें इतनी ज़बरदस्त और फ्रेश, देखने में ही इतनी फ्रेश लग रही हैं ये। और ये देखें ज़रा ग्रीन वेजीज, और यहाँ पे हैं कैरेट, शलजम। देखा है किसी ने इतना ग्रीन एप्पल? और यहाँ येलो एप्पल, रेड एप्पल, और यहाँ लेमन है डिफरेंट, और उसी के साथ यहाँ पर हैं ऑरेंजेस, ऑरेंजेस की भी डिफरेंट वैरायटी है यहाँ पर। यहाँ पर हैं बहुत ही फ्रेश और बहुत ही अच्छे अच्छे से वाटरमेलन। और यहाँ हम आ गए हैं अब सॉसेस और स्पाइसेस के पोर्शन में। तो यहाँ पे है कारा बीबर यानी कि पिसी हुई काले मिर्च, पुल बीबर यानी कि रेड चिली फ्लेक्स, और उसी के साथ यहाँ पर हैं डिफरेंट कंपनीज़ के मैगी नूडल्स जो कि बच्चे खाते हैं बहुत ही शौक़ से और बहुत ही यम्मी यहाँ पर हैं। और यहाँ हैं डिफरेंट किस्म के सॉस, सोया सॉस भी यहाँ रखा हुआ है, और टोमेटो सॉस भी, और जनाब चिली सॉस भी है यहाँ पर। तो यहाँ जितने भी सॉसेस लगे हुए हैं ये देखने में ही बहुत यम्मी लग रहे हैं। हम अपने किचन के लिए भी करेंगे यहाँ से ग्रॉसरी और ख़रीदेंगे यहाँ से हम कुछ सॉस। और यहाँ पर भी हैं कुछ स्पाइसेस मौजूद, इनके अपने टर्किश स्पाइसेस भी यहाँ पर मौजूद हैं। अगर आपको बनाना है कोई टर्किश फूड तो आप यहाँ से कर सकते हैं इनके टर्किश स्पाइसेस को बाय। और जनाब यहाँ पर है कनोर के ब्रांड की तमाम चीज़ें मौजूद जो कि आप इजीली मेट्रो से बाय कर सकते हैं। और ये बहुत ही अच्छा इन्होंने पूरा पोर्शन बनाया हुआ है जहाँ पे टोटल सारी चीज़ें ही कनोर से रिलेटेड हैं, कनोर के सूप, कनोर क्यूब्स और कनोर से ही रिलेटेड सारी चीज़ें हैं, बहुत हैं, मैं किन किन के नाम लूँ यहाँ पर। और यहाँ पर हैं डिफरेंट किस्म के ऑयल, अगर आपको करना है कोई ऑयल यहाँ से बाय तो आप यहाँ पर आ सकते हैं और ईज़िली कर सकते हैं बाय। और यहाँ पर रखा हुआ है बायो सिज़मा, आई थिंक ये हेयर ऑयल है, नेचुरल हेयर ऑयल। और यहाँ पर भी हैं ऑयल और सॉस वगैरह, तो आप यहाँ से भी ऑयल और सॉस ले सकते हैं। और डिफरेंट किस्म के वेनेगर भी यहाँ पर मौजूद है। और यहाँ पे रखे हुए हैं टर्किश स्वीट्स, ये देखिए जनाब ये बकलावा है, आप इस तरह के बकलावा यहाँ से परचेज़ कर सकते हैं और घर में जाएं और शीरा बनाएं और इसके ऊपर डालें और मज़े से खाएं। और जनाब यहाँ पर हैं डिफरेंट किस्म के ऑलिव्स, ऑलिव्स जैसा कि आप लोग जानते हैं, मैंने आपको अपनी प्रीवियस वीडियो में भी बताया था कि ऑलिव्स ये लोग बहुत शौक़ से खाते हैं और इनके हर खाने में ऑलिव्स बहुत ही शौक़ से खाए जाते हैं। तो यहाँ डिफरेंट किस्म के ब्लैक, ग्रीन ऑलिव्स यहाँ पर मौजूद हैं, ये देखिए। और हमारे हस्बैंड्स, आपको कुछ नज़र आ गया है, उनको नज़र आ गया है अपनी बेटियों के लिए पीनट बटर, जी हाँ, 28 का कैसे रिजनेबल प्राइस में लगा हुआ है यहाँ पर पीनट बटर। और यहाँ पर हैं जैम्स, और यहाँ पर भी कुछ चीज़ें मौजूद हैं बहुत सारी, यहाँ पे कॉर्नफ्लेक्स की वैरायटी आ गई है। और यहाँ हैं डिफरेंट किस्म की चॉकलेट्स, यहाँ पर भी डिफरेंट किस्म की चॉकलेट्स हैं। और यहाँ आके हमारे हस्बैंड हो गए हैं स्टॉप, क्योंकि इनको करनी होती हैं बहुत ही अच्छी अच्छी चॉकलेट्स परचेज।
और यहाँ पर भी तमाम चॉकलेट की वैरायटी है। तो कौन सी चॉकलेट ले रहे हैं आप यहाँ से? तो जनाब हमने लिए हैं यहाँ से डिफरेंट किस्म की चॉकलेट्स, वाइट चॉकलेट भी है जिसमें मौजूद, और ये बहुत ही मज़े की यम्मी होती है वाइट चॉकलेट। और यहाँ पर है डिफरेंट बच्चों के टॉय स्टाइल में चॉकलेट और बच्चों की बंटी, क्योंकि बच्चे बहुत ही शौक से खाते हैं इस तरह की चीज़ें। और जनाब यहाँ है बहुत ही ज़बरदस्त सा चिप्स का पोर्शन, और यहाँ से भी कर रहे हैं ये कोई चिप्स बाय। तो हमने लिया यहाँ से डोरिटोस, और मेरे बेटे साहब को हमने यहाँ पे लिटाया हुआ ट्रॉली में, इन्होंने कर दिया है डोरिटोस पे हमला। और यहाँ है डिफरेंट किस्म की कैंडीज़ के पूरे पूरे पैकेट, कैंडीज़ की ये लोग बहुत शौक से खाते हैं। और अगर यहाँ किसी के यहाँ भी जाएँ तो सबसे पहले वो फर्स्ट ऑफ ऑल बच्चों को कैंडीज़ यहाँ पर जो है वो सर्व करते हैं। देखिए डिफरेंट किस्म की कैंडीज़ हैं यहाँ पर, और उसी के साथ यहाँ पर है डिफरेंट किस्म की जेली, मार्शमेलो, और यहाँ पर हैं डिफरेंट किस्म के शैम्पू, बॉडी वॉश। जनाब यहाँ पर है बहुत ही ज़बरदस्त हेयर कलर की कलेक्शन, और उसी के साथ यहाँ पर है कॉम। ये पूरा बातिंग एरिया है, कि बातिंग एरिया से रिलेटेड यहाँ पर तमाम चीज़ें मौजूद हैं। यहाँ हैं डिफरेंट किस्म के कप्स, और अब हम आ गए हैं क्रॉकरी के पोर्शन में। तो यहाँ डिफरेंट किस्म के कप्स मौजूद हैं, और ये देखें ये छोटे छोटे से मिनी कप्स जो कि बहुत ही क्यूट से लग रहे हैं। और ये देखिए बहुत ही ज़बरदस्त यहाँ पे क्रॉकरी की वैरायटी है, ये देखें क्यूट ही क्यूट से कप्स रखे हुए हैं यहाँ पे, क्योंकि ये लोग कहवा बहुत शौक से पीते हैं तो इस तरह के कप्स में ये लोग कहवा पीते हैं। यहाँ है कुछ प्लेट्स, बाउल्स, और बस मैं जल्दी जल्दी आप लोगों को दिखा रही हूँ। यहाँ पर प्लेट्स की वैरायटी है मौजूद, बहुत ही अच्छी कलेक्शन यहाँ लगी हुई है। और उसी के साथ यहाँ पर हैं डिफरेंट किस्म की बॉटल्स, ऑयल बॉटल्स, जार, स्पाइस रखने के लिए, और यहाँ भी डिफरेंट किस्म के जार और ग्लास की पूरी वैरायटी है मौजूद। ये पूरा है प्लास्टिक आइटम का पोर्शन, यहाँ पे प्लास्टिक से रिलेटेड सारी चीज़ें मौजूद हैं। और ये भी है बहुत ही लार्ज पोर्शन क्रॉकरी का, और यहाँ रखे हुए हैं क्यूट क्यूट से एग होल्डर्स। और यहाँ पर हैं डिफरेंट किस्म के पैन, ग्रिल पैन और नॉन स्टिक पॉट्स, और इस तरह के यहाँ पे तमाम तवा और ग्रिल करने के लिए जो अगर आपको आइटम बर्तन चाहिए होते हैं वो भी आप यहाँ से इजीली परचेज कर सकते हैं। और यहाँ पर भी तमाम नॉन स्टिक पैन्स मौजूद हैं डिफरेंट साइज़ में, द लार्ज साइज़, और तमाम डिफरेंट नॉन स्टिक पॉट्स यहाँ पर हैं। और यहाँ पर भी किचन से रिलेटेड तमाम चीज़ें मौजूद हैं, कटिंग बोर्ड, बास्केट्स, और यहाँ पर रखे हुए हैं ओवन मोड्स। आप हर किस्म की शेप्स के ओवन मोड्स यहाँ से परचेज़ कर सकते हैं। और यहाँ पर भी तमाम किचन से रिलेटेड चीज़ें मौजूद हैं, क्योंकि हमारा चैनल है फूड से रिलेटेड, तो इसीलिए मैंने आपको यहाँ पे फूड और किचन से रिलेटेड तमाम चीज़ों का भी करवाया है विज़िट। हमने एक्सप्लोर किया है यहाँ पर यहाँ का फूड और यहाँ की तमाम किचन से रिलेटेड चीज़ें। जनाब यहाँ पे रखी हुई है चाय की कैटल, जैसे कंपनीज वगैरह में इस तरह की कैटल्स मौजूद होती हैं, आप पूरे दिन के लिए इसमें चाय बनाकर ये लोग रख देते हैं, और बहुत ही ज़बरदस्त ये कैटल्स हैं। और इसमें दो नोज़ल दिए हुए हैं कि एक में से कहवा आता है और दूसरे में से गर्म पानी, जो कि इनकी चाय बनाने का तरीका है उस तरह से। सो व्यूवर्स, यहाँ से मैं लेने लगी हूँ एक ओवरऑल व्यू। हमने यहाँ का आपको करवाया विज़िट, हमने किया आज मेट्रो मॉल को एक्सप्लोर। तो अगर आपको मेरा ये व्लॉग पसंद आया हो तो मुझे ज़रूर बताइएगा। यहाँ हम करते हैं अपने व्लॉग को एंड और चलकर पीते हैं बाहर बहुत ही मज़ेदार सी चाय। तो व्यूवर्स, बारिश की आज थी फोरकास्ट, और जैसे ही हम मेट्रो को एक्सप्लोर करके निकले हैं बाहर, तो यहाँ हो रही है बहुत ही ज़बरदस्त बारिश। ये आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत व्यू आ रहा है, हालाँकि यहाँ बहुत शदीद गर्मियाँ चल रही थी और आज अचानक से बारिश की फोरकास्ट थी और बारिश हो गई है। बहुत ज़बरदस्त बारिश हो रही है कि शदीद गर्मी के बाद।
तो जनाब जब इतनी हसीन हो बारिश तो क्यों ना हम यहाँ पर यहाँ का करें फूड ट्राई। तो यहाँ का ब्रांड है मुस्तफ़ा कबाब जी। हम यहाँ से लेने लगे हैं अदाना कबाब और यहाँ है इनके डिफरेंट किस्म के कबाब मौजूद और बहुत ही सफाई के साथ में यहाँ पे फूड रेडी किया जा रहा है। बारिश के साथ साथ हम करेंगे यहाँ के अदाना कबाब को एंजॉय। मरहबा आबे, आबे बेदाना अदाना कबाब। तो जनाब अच्छे से बारिश के मौसम के साथ हम यहाँ पे करने लगे हैं अदाना कबाब को एंजॉय और उसी के साथ में हमने यहाँ पर मंगाई है मज़ेदार सी टर्किश टी जो कि आप देख सकते हैं। तो हम यहाँ अदाना कबाब को करने लगे हैं ट्राई। अगर आपको मेरा ये व्लॉग पसंद आया हो तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल नोटिफिकेशन को दबाना हरगिज़ नहीं भूलिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट व्लॉग के साथ। जब तक रखिएगा बहुत सारा ख्याल। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, टेक केयर।